मौसमी बीमारियों के अंतर्गत अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे अधिकांश बड़े ये सभी कोरोना संबंधी लक्षण अभी पाए जा रहे हैं, जैसे गले में खराश होना, बुखार होना, काफ़ी लंबे समय तक बदन टूटना, जुखाम होना, सर्दी जुखाम के लक्षण और इस तरह का कुछ वायरल पाया जा रहा है, जिसमें कि 5 दिन से भी ज़्यादा अधिकांश दवाई लेने के बाद भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जा रहा है, जिसमें कि हमें कुछ ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दवाइयों का मिक्सचर देना पड़ रहा है और मरीजों को ये भी समझाना पड़ रहा है कि आप पूरा कोर्स लेंगे, क्योंकि वे बीच में कोर्स को छोड़ देने की वजह से मरीज अधिकांश रूप से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। किंतु अभी जो वर्तमान में मौसमी संबंधी बीमारियां चल रही हैं, कोरोना से संबंधित लक्षण उनमें होने की वजह से हम डॉक्सीसाइक्लिन भी बड़ों में ऐड कर रहे हैं, डॉक्स बड़े व छोटों में डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट हम दे रहे हैं, जिससे कि उनका निदान हो सके। और उस पर अधिकांश कारण यही हो सकता है कि कोरोना की थर्ड डोज कई लोगों ने नहीं भी लगवाई है, कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि सर्दियों से गर्मियों में जब इस तरह से मौसम का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की वजह से कुछ सर्दी का झुकाव बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि जो देखा जा रहा है कि काफ़ी मतलब जो खांसी है वो कई महीनों तक चल रही है, सही नहीं हो रही खांसी, उसके बारे में आप क्या कहना है, क्या रीज़न है? खांसी सही नहीं होने के कई तरह के कारण हैं, जैसे कि ठंडा पानी पीना, लापरवाही करना, या फिर बच्चों पे पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देना, या फिर कोरोना संबंधी लक्षण भी कुछ लोगों में पाए जा रहे हैं, कुछ केस भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसके लिए हम उससे रिलेटेड मेडिसिन भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हुई और कई तरह के कफ सिरप्स हुए, तो हम उसमें उनको पूर्ण रूप से समझाते हैं कि एंटीबायोटिक का कोर्स भी आप पूरा ले लें, उसको बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी जानकारी हम अभी एक कैंपेन भी हुआ था सरकार की तरफ से थोड़े दिनों पहले, हमने उसके रिगार्डिंग भी जनता को जागरूक किया था। इस मौसम में जो बदलता मौसम है, महिलाओं भी बीमार होती हैं, उनकी भी बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? महिलाओं की बीमारियां हमारे क्षेत्र में, जैसे प्रताप नगर सांगानेर क्षेत्र में अधिकांश महिलाओं को माहवारी संबंधी बीमारियां हैं, ल्यूकोरिया सफ़ेद पानी की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस क्षेत्र में, जो छोटी छोटी 10-12 साल की बच्चियों को हो रहा है। उसका कारण है कि स्कूल्स में और इनमें साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाए शौचालयों में, और बच्चों को हाइजीन माहवारी के समय हाइजीन के लिए भी समझाया जाए कि भाई कपड़ा ना यूज़ करके पैड वगैरह यूज़ करें, और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सुविधाएं भी पैड वगैरह की दी जा रही है, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह की। और सफ़ेद पानी के लिए अधिकांश रूप से बच्चों को, बालिकाओं को ये समझाया जा रहा है कि अपनी एंटीबायोटिक कोर्स वगैरह और अपनी सैनिटेशन वगैरह पूर्ण रूप से आप इलाज लीजिए और डॉक्टर से बिना किसी हिचक के आप संपर्क कीजिए।